देखो तुम्हें इन इन तारीख मतलब ये जो दिवस मनाए जाते हैं किस किस तारीख को मनाया जाता है ये तुम्हें बताना भी है और लिखना भी है। तो बारी बारी से मैं पूछता जाऊंगा और उसको बताते जाओ पहले, ठीक है? देखो जल दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मार्च। और महिला दिवस? 8 मार्च, 8 मार्च। पाई दिवस? 14 मार्च, शिक्षक दिवस? 5 सितंबर, 5 सितंबर। युवा दिवस? 12 जनवरी, हिंदी दिवस? 14 सितंबर, खेल दिवस? 29 अगस्त, विज्ञान दिवस? 28 फरवरी, बाल दिवस? 14 नवंबर, पर्यावरण दिवस? 5 जून, ठीक है अब लिख डालो सही जल से। दिवस का। थोड़ा बड़ा लिखना और ध्यान से सही से लिखना, दिखाई दे। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो, छोटा नहीं लिखना है, साइज थोड़ा बड़ा लिखो। ध्यान से तारीख का ध्यान रखो, जो बताया वही लिखोगे। जगह बहुत बड़ी है, जगह स्पेस आगे पीछे है, ध्यान से अपना बड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है मेरे को चेक करने दो। तुमने लिखा है जल दिवस 22 मार्च को है मनाया जाता है, महिला दिवस 8 मार्च का है, पाई दिवस 14 मार्च को लिखा है अपने, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है मनाया जाता है, युवा दिवस 12 जनवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और खेल दिवस तुमने लिखा है 29 अगस्त को, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और बाल दिवस 14 नवंबर को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तुम्हारा सारा सही है, ठीक है? तो इसी तरीके से और भी पूरे साल में कुछ ना कुछ स्पेशल डे सेलिब्रेट होता है, तो उसके पीछे की कहानी को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अगली बार से और अच्छे से तैयार करो जिससे तुम्हें लाइव टेस्ट देने में आसानी हो। और थोड़ा आवाज़ को क्या करना है, फ्लो में लाना है और तेजी से बोलने की आदत डालो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है?